हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ केसरी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं FATF, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर आप UN से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर UN से रिलेटेड 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1989 में G7 मीटिंग के दौरान बनाया गया था। इसका कार्य होता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना एवं उन्हें बंद कराने से संबंधित नीतियां बनाना। इस संस्था की स्थापना जो है 1989 में की गई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। इस संस्था में टोटल कुल 39 सदस्य। शुरुआत में इसके सदस्यों की संख्या थी 16 और 2021 आते आते इसके सदस्यों की संख्या 39 हो गई। भारत इसका सदस्य 2010 से ही है। FATF को 1990 से लागू किया गया है। इसके अंतर्गत यह संस्था दो तरह के लिस्ट को निकालती है, पहला हो गया ग्रे लिस्ट, दूसरा हो गया ब्लैक लिस्ट। तो चलिए ग्रे लिस्ट के बारे में जानते हैं। तो किसी भी देश का ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फंडिंग पर अंकुश लगाने में असफल रहा है। और किसी भी देश का FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का मतलब होता है कि उस देश को उसकी आतंकवादी गतिविधियों एवं टेरर फंडिंग को न रोक पाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, यूरोपीय यूनियन, ETC संस्थाओं से वित्तीय सहायता या कर्ज मिलना बंद हो जाएगा। अगर हम लोग करेंट सिनेरियो की बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट में 2012 से है, क्योंकि FATF के बहुत सारे निर्देशों के बावजूद भी पाकिस्तान जो है सिर्फ दिखावा के लिए टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बहुत सारा पॉलिसीज लाता है, कार्य योजना लाता है, जो कि सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। ठीक है, और आखिर पाकिस्तान ही ग्रे लिस्ट में क्यों है? उसका कारण यह है कि उसके आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी, जो कि इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। पहला है कि कश्मीर विवाद, जो अब आर्टिकल 370 के हटने के कारण वहाँ से अभी इस तरह की गतिविधियाँ जो बंद हो गई है, जो कि सिर्फ मोदी जी के कारण पॉसिबल हुई है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो भारत के बहुत सारे जगह पर पाकिस्तान हमला किया है। पहला हो गया 2001 में संसद भवन पर हमला किया था, दूसरा हो गया 2008 में मुंबई हमला जिसमें कसाब को पकड़ा गया था, और अगर तीसरा देखें जो कि वर्ल्ड लेवल पर है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 विमान को हाईजैक किया गया था और अलग अलग जगह पर टकराया गया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे, नरसंहार हो गया था, जिसमें पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया था, दूसरा विमान ट्विन टावर जो कि न्यूयॉर्क में है, तीसरा हो गया पेंटागन में गिराया गया था, चौथा विमान जो है पेंसिल्वेनिया एक खेत में जाकर गिरा था, फिर भी लोगों को बहुत सारे लोगों की जान गई थी। खैर, पाकिस्तान अपनी इन सब हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। इसके बाद भी बहुत सारी गतिविधियाँ भारत में देखी गई है इसकी। फिलहाल इसे ब्लैक लिस्ट में आने से बचा लिया गया है। इसमें भी दो देशों का समर्थन लगा है। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और रोचक करेंट मुद्दे पर जुड़े मामलों से। तब तक के लिए थैंक यू एंड डू लाइक डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।